बारिशें इतनी तेज हो रही थी कराची में कि क्या बताऊं आपको, यहाँ पे रोडों पे गंद मचा हुआ है, कपड़े गीले हो रहे हैं, अम्ब्रेला का तो फायदा ही कोई नहीं। तो हमने सोचा हम थोड़ी सी ब्रेक लें, फिर हमने मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया, बाल वाल ठीक करवाए, मेकअप ठीक करवाया, ऐसे थोड़ी हम कैमरे पर आ सकते हैं। लेकिन लड़कों के ये मसाइल नहीं होते वैसे, इनको देखें, इनके बाल गीले हैं, शर्ट पे पानी गिरा हुआ है, कोई मसला नहीं। मुझे भी कह रहे हैं ऐसे ही शूट कर लो, ऐसे ही शूट कर लो, इतनी मुश्किल से मैंने उनको रोक के रखा है। हाँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ऐसे बाल की ठीक हो गए। हाँ ठीक है, मुझे बताएं कि आपने बारिश में सीन्स किए हैं रिकॉर्ड? बारिश में, हाँ बारिश में सीन्स किए। रोमांटिक सा सीन रिकॉर्ड किया। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक मर्तबा हमारी शूट हो रही थी, हाँ। तो अचानक से बारिश हो गई। हाँ। बारिश हो गई, शूट पैकअप हो गई, हम किसी प्रोड्यूसर की लोकेशन पे गए। अब उनका इतना अच्छा बाहर गार्डन था, हाँ। और उसको तेज बारिश हो रही, हाँ। मुझे पता नहीं क्या सूझी, मैंने कहा कैमरामैन से, कहा अब डायरेक्टर नहीं पहुंचे थे उस वक्त तक, हाँ। मैंने कैमरामैन से कहा कि मैंने कहा कैमरा ऑन करो, लड़की साथ थी, मैंने उसको कहा फौरन आओ, जल्दी आओ, नई लड़की थी, अच्छा, कोई उसने एक ही ड्रामा किया था, मैंने कहा यार जल्दी आओ फौरन आओ, हाँ। और उसमें मैंने अपना जो है वो खुद ही प्रोमो शूट करवा लिया कि मैंने कहा बारिश हो रही है, इसको यूटिलाइज करो, इतनी नेचुरल बारिश तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, हाँ। और आर्टिफिशियल बारिश करवाने के लिए पूरा सिस्टम लगता है, मैंने कहा इसको अवेल करो, बस वो शूट कर लिया। अगर आपसे पूछो, आपने इतने साल काम किया है और आपने इतना अच्छा काम किया, आपने मेहनत की है, डू यू थिंक यू आर अंडररेटेड? पता नहीं, मैं ऐसा पर्सनली अपने लिए नहीं सोचता, बस मैं ये सोचता हूँ कि मुझे, आपको लगता है कि आपको ज्यादा लाइमलाइट मिलनी चाहिए थी, आपको कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिसमें आप भी होने चाहिए थे, या फिर अवार्ड शोज की बात कर लेते हैं, अवार्ड शोज के बारे में वैसे आपका क्या ख्याल है, क्योंकि हर अलग अलग आर्टिस्ट, अलग अलग एक्टर, सिंगर्स की अलग अलग राय है इस मामले में। असल मुझे एक ही मर्तबा अवार्ड मिला, हाँ। और जिस चैनल पे अवार्ड मिला उस चैनल पे मैंने उसके बाद काम ही नहीं किया। क्यों? मुझे नहीं पता क्यों, इत्तेफाकन मैंने आज तक उनके साथ काम नहीं किया, और तो इसीलिए, और जब मुझे अवार्ड मिला था तो उस जगह पे लोग किसी के अवार्ड के लिए खुश हो ना हो, लेकिन मेरे अवार्ड के लिए खुश थे कि ये एक जेन्युइन अवार्ड मिल गया, हाँ। बाकी जो सारे अवार्ड हैं वो सारे घर के, तो इसको ये भी रिश्तेदार है, तो ये अच्छा, लोग कहते थे कि हमें लगता है कि ये जेन्युइन अवार्ड है। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि यार तुम्हें मिल गया तो इसका मतलब है कि ये जेन्युइन अवार्ड मिला है किसी जगह पे, क्योंकि मैं किसी लॉबी का हिस्सा नहीं हूँ, हाँ। मैं पार्टीज में जाता नहीं हूँ, मैं दोस्तों में जाके बैठता नहीं हूँ, जो अदर एक्टिविटीज होती हैं, तो हम दोनों का सेम प्रॉब्लम है, हाँ, तो फिर हम सोचते भी नहीं है कि हम अंडररेटेड है या ओवररेटेड है, इसीलिए मैं ये सारी बातें सोचता नहीं। ओके, ऑलराइट। अभी जैसे कुछ टाइम पहले सबा कमर का एक यू नो शी हैड अ पॉइंट कि मैं नहीं जाऊंगी अवार्ड शोज में, क्योंकि मुझे 12 साल अब तक अवार्ड नहीं मिला, अब तो नाउ शी इज़ गॉटन एन अवार्ड। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स एंड और इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जी माहिरा खान इतनी अच्छी एक्टर नहीं और सारे अवार्ड्स उनको मिल जाते हैं, तो डू यू अग्री टू दिस? और जिस तरह से आयशा उमर को एक एल्बम पर अवार्ड मिल गया और सज्जाद अली को नहीं मिला, तो वॉट इज़ योर टेक ऑन दैट? ये कौन है जो अवार्ड्स दे रहे हैं, या ये जस्टिफाइड है या नहीं है? यार अब अगर मैं इतना डेप्थ में तो हूँ नहीं कि मुझे पता होगा, मैं दूर दूर नहीं पता होगा, पर सब पता मैं दूर दूर रहता हूँ, हाँ। अभी हमने जो बात डिस्कस की कि किसी का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं बीच में ही नहीं पड़ता कि यार इसको क्या हुआ उसको क्या हुआ, हाँ। लेकिन अगर आप ये दो नाम जो आपने लिए, सज्जाद अली और आयशा उमर, हाँ। अब सज्जाद अली ऑब्वियसली हमने बचपन से लेके आज तक सज्जाद अली को सुन रहे हैं और फैन है सज्जाद अली, लेकिन आयशा उमर आज का ट्रेंड है वो ट्रेंडी है, फिर प्लस आयशा उमर पाकिस्तान में ही है, मेरे ख्याल में सज्जाद अली बाहर दुबई में, दुबई में, तो शायद इसका फ़र्क हो, मुझे सच नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आयशा उमर ज़्यादा ट्रेंडी है, ऑन स्क्रीन ज़्यादा वो नज़र आती है, लोग लाइक करते हैं, बच्चे बड़े सब लाइक करते हैं उसे। मैं आपके साथ रैपिड फायर राउंड शुरू करने वाली हूँ जिसमें आपने सोचे समझे बगैर जवाब देना, और पता नहीं और कोई भी नहीं तो जवाब काउंट ही नहीं होगा, ठीक है? मैं सवाल बार बार करती रहूंगी, ठीक है? ओके, सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव इन दिस वन। और पहला सवाल आपसे ये है कि इनमें से किस अदाकार को देख कर लगता है कि ये भी गुस्से का तेज होगा? ये भी से समझ रहे हैं ना? जी जी, मैं ये भी से तो बहुत ज्यादा समझ रहा हूँ। ऑलराइट, मोहसिन अब्बास, फहद मुस्तफा या बिलाल अब्बास? मोहसिन अब्बास। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस लड़की की आंखें आपको बला की खूबसूरत लगती है? अरे बला की, सजल अली, सनम चौधरी या माया अली? सनम की। सनम चौधरी, ओके। किसी शादी में गए और वहाँ आपको कोई लड़की पसंद आ गई, क्या करेंगे? उसका नंबर निकलवा कर अम्मी को भेजेंगे रिश्ते के लिए? अल्लाह, खुद जाकर उसे बोल देंगे कि आई लाइक यू, या फिर चुप रहेंगे किस्मत पे छोड़ देंगे? यार
तीनों में से कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली कोशिश ये करूंगा कि उससे खुद ही बात कर लूं, खुद ही बात कर लें. तो अभी इतनी सारी लड़कियां भाई वो जानना चाहती होंगी कि क्या रिलेशनशिप स्टेटस क्या है हुमायूं का, सिंगल, कॉम्प्लिकेटेड, इन अ रिलेशनशिप और व्हाट? वेरी सिंगल. वेरी सिंगल. वाओ, दिस इज गुड न्यूज भाई फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर. ओके, फॉरन जो है ना, आप लोग इंस्टाग्राम वैसे कम यूज करते हैं मगर कर लेते हैं 2-3 हफ्ते बाद. हाँ, तो आप मैसेज डाल के छोड़ दें. ओके, इनमें से कौन सी जगह जाकर सबसे ज्यादा मजा आता है, समंदर, बाजार या गर्ल्स कॉलेज के बाहर? Obviously, समंदर. समंदर पे? You like girls beaches? College के बाहर तो बिल्कुल नहीं. मतलब बिल्कुल नहीं. कभी गए नहीं, नहीं. कभी तो गए होंगे. मतलब किसी दोस्त के साथ ही चले गए होंगे. गर्ल्स कॉलेज के बाहर वो जो मैं सुनता हूँ ना, लड़के जाके खड़े रहते हैं बाइक पे और वो पर्ची फेंकने वाला मैंने किया है काम. ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया. बताया ना कब किया था? बहुत यंग एज में किया है. हाँ, तो क्या किया था? गाड़ी में थी लड़की, उसको पर्ची? हाँ, गाड़ी में थी उसको. और उसके और उसके 4-5 भाई भी खड़े हुए थे. बनाया था उसका? मैंने तो ऐसे जाके दिया है कि मैंने एक मार्का किया था वो पर्ची लेके. फिर फोन आया? फिर फोन भी आया था, लेकिन उस जमाने में पीडी सेल होता था. हाँ, तो बस वो लिमिटेड ही चीजें रही और वो पता नहीं कब खत्म हुआ. आगे बढ़ ना सका. ओके, इनमें से किस सीनियर अदाकार को अपना उस्ताद मानेंगे, नुमान एजाज, फैसल कुरैशी या अदनान सदीक? ऑनेस्टली तो तीनों हमारे लेजेंड हैं, लिविंग लेजेंड हैं, लेकिन मैंने अदनान भाई के साथ, उनके नुमान भाई के साथ काम नहीं किया, और नोमी भाई का मैंने सुना बहुत है कि वो बहुत ही पक्के एक्टर हैं. फैसल भाई से इंट्रैक्शन भी है, बातचीत भी होती है, तो मुझे पता है कि उनकी एक्टिंग की इंटेंसिटी क्या है. एक ड्रामा होने वाला था फैसल भाई के साथ मेरा, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो मुझे इसका बड़ा दुख है. दुख है. तो फिर ये चूज अदनान सिद्दीकी? नुमान एजाज, नोमी भाई. नुमान एजाज. ओके, मैंने सुना है बड़ा सेट पे वो डांटते भी हैं, डांट भी देते हैं अक्सर. अगर डांट भी दे तो वो कोई अच्छी बात ही सिखा रहे होंगे ना. मतलब वो पर्सनली तो नहीं डांट रहे होंगे, वो बता रहे होंगे यार ऐसे नहीं, ऐसे कर लो. किस तरह के लोगों से घबराते हैं, जिनके साथ कोई कॉन्ट्रोवर्सी जुड़ी हो, जो बहुत बोलते हो मेरी तरह के, या जो दूसरों की बुराइयां बहुत करते हो? ऑब्वियसली जो दूसरों की बुराइयां करते हो, आप कहते हैं यार बस. हाँ. अब नहीं, क्योंकि बोलना बुरी बात थोड़ी है. हाँ. आप बोल रही हैं, लेकिन अगर आप अच्छा बोल रही हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? वाह, थैंक यू जी. ये देखिए, जबरदस्ती अपनी तारीफ कराने के भी तरीके होते हैं. तो नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूं कि जब मर्द हजरात जवाब देने पे आते हैं तो इसी तरह से सेफ खेलते हैं जैसे इन्होंने सेफ सेफ जवाब दिए. इन्होंने कोई भी बात नहीं निकलने दी अब तक, लेकिन अभी शो का टाइम बाकी है, मैं कोशिश अपनी पूरी करूंगी. फैसले लेने में आसानी होती है या मुश्किल पेश आती है? मुश्किल रहती है, हमेशा मुश्किल रहती है. मुश्किल रहती है. दिल और दिमाग में फंस जाते हैं या अच्छा और बुरा में फंस जाते हैं, क्या? हाँ, दिल और दिमाग की एक जंग चल रही होती है. हाँ. कभी कभी तो फैसला ही होता है ना, आप कहते हैं कि बस ये कर देना है. हाँ. ऐसे ही होना है. वो आपका दिल कहता है कि भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता. हाँ. यही करना है. लेकिन कभी कभी, बल्कि ज्यादातर जो है वो मुश्किल होता है. ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ये प्रोजेक्ट करूं या ये प्रोजेक्ट करूं. अब वो दो प्रोजेक्ट करने के चक्कर में ना एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो दोनों प्रोजेक्ट आपके नहीं होते. ओह यस, बिल्कुल ऐसा होता है. मेरे साथ भी होता है अक्सर. जी, हर एक्टर के साथ होता है. स्टार साइन. ओके, लिब्रा. ऑलराइट, चले मैं आपको जो है आज ऐसी मुश्किल में डालने वाली हूँ. आपने चूज करना है ये या वो, और आपने जल्दी से जवाब देना है. ओके, सो माहिरा खान या सबा कमर? माहिरा खान. बिलाल अशरफ या शहर? ये भी बता दूं क्यों, क्योंकि सबा कमर मैंने हर जगह पे कही है, तो इस दफा माहिरा खान. ओके, ये देखो देखो जरा. हाँ, ऐसा है. मतलब अब सबा कमर ये भी नहीं बोल सकती कि यार हुमायूं ने मेरा नाम नहीं लिया. मैंने लिया है, हमेशा नाम लिया है, हमेशा. इनफैक्ट सबा कमर का ही नाम लिया है. ओके, बिलाल अशरफ या शहरयार मुनव? ऑब्वियसली बिलाल अशरफ. ओके, चाय या कॉफी? चाय. ड्रामा या फिल्म? ड्रामा. बिरयानी या पुलाव? मटन या बीफ? अब देखिए मुश्किल आ गई ना. मटन. मटन. और बिरयानी बीफ. कराची या लाहौर? लाहौर. आतिफ असलम? लाहौर. लाहौर लाहौर है. ओके, नहीं मैं भी कुछ दिन पहले गया, आई एंजॉयड अ लॉट. नहीं, बट बेसिकली मुझे लगता है कि हम कराची में रहते हैं इसलिए हमें लाहौर ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो आपके पास चीज होती है, अच्छी हिस्ट्री है और कलरफुल कलरफुल है ना, लाइवली. ओके, शाहिद आफरीदी या मिसबाह उल हक? शाहिद आफरीदी, ही इज अ स्टार. ओके लवली, ये आपने जरा फास्ट पेस खेला, मुझे खुशी हुई आपके साथ ये गेम. ओके, तो क्या करने वाले हैं हम नेक्स्ट? आज मैं हूँ आपकी मेहमान, आपने मुझे बताना है भाई, हम यहाँ पूरी टीम के साथ मौजूद हैं, कहाँ ले जा रहे हैं हमें? कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ सोचा आपने? मुझे अपने एक फ्रेंड से मिलना था. हाँ. तो मैं सोचा था मैं आ जाऊँ, लेकिन अगर आप लोग चलना चाहें तो. तो अगर आपके फ्रेंड को आप पहले बता दें कि हम भी आ रहे हैं, सुनो कि ये मैं मैसेज कर देता हूँ. बस सही है, लेट्स गो.